अच्छा तो ये है इन दोनों का घर। नहीं छोड़ूंगी मैं मेरे पति को जिसने मारा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। ऐसी काटूंगी उसे, मलेरिया दिलवा के ही रहूंगी। हाँ, रिवेंज मोड इज ऑन नाउ। लेट्स सी। आज कितना गर्म है, चक्कर भी आ रहा है। क्या हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा। ओह माय गॉड, नींद भी नहीं लग रहा है और ऊपर से ठंडी भी लग रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ओह मेरा सर। अरे क्या हुआ गल्लू का? सुबह से देख रहा हूँ तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो रहा है? बहुत बुखार बुखार लग रहा है। मेरा पूरा शरीर कैसे कांप रहा है, क्या करूं? लगता है कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए काढ़ा बना लेता हूँ। अरे इसको तो बहुत बुखार है। हेलो, मिस गेलू का ब्लड टेस्ट पेपर आया क्या? क्या इसको मलेरिया है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ओके, मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। गेलू अभी ठीक हो गया है, मैं उसको समझाऊंगा। गेलू कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। गेलू मच्छर का काम है काटना, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको काट लें। कौन क्या करता है वो ऊपर वाला देख लेगा, हमारा काम है हम उनके साथ काइंडनेस दिखाना। सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे अपने घर के एहसास हो गया। इट्स ओके मेरे प्यारे गिल्लू, आप दोनों मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी रिवेंज लेने के चक्कर में गलती किया। अपने पति के मौत के रिवेंज लेने के लिए मैंने आपकी पत्नी को काट दिया और मलेरिया उनके अंदर डाल दिया। पर अभी मुझे पता चला सबका काम ऊपर वाला देखता है। हम लोगों का कोई अधिकार नहीं दूसरों को चोट पहुंचाने का। मुझे माफ कर दो डियर।